तो दोस्तों ये है 10 mm फास्टनर, ये आप देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ भी है दोस्तों, बहुत लाइट लाइट लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फास्टनर को कैसे लगाते हैं, बहुत इजी स्टेप होते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम चलते हैं उस वॉल की तरफ जहां पे हमें फास्टनर को लगाना है। तो दोस्तों इस हमारे को ये फासला लगाना है, ये वाला दोस्तों। तो इस फासले के लिए हमारे पास ये जो आप बिट देख रहे हो, तो ये जो बिट है ये 14 mm है, ये आप देख सकते हो। तो ये बिट और ये मशीन के अंदर लगेगा। ये दोस्तों इस वाले फास्टनर के लिए जो लगाने के लिए हमारे को चाहिए सबसे पहले हैमर मशीन। ये ड्रिल मशीन है, पर ये हैमर है। एक आती है छोटी वाली नॉर्मल विदाउट हैमर, और हैमर की जरूरत होती है। और ये दोस्तों की, जिसे आप चाबी बोल सकते हो, पाना बोल सकते हो, ये दोस्तों इसमें चाहिए होती है 16 और 17 नंबर की। अच्छा, अब दोस्तों आप चलते हैं, हम इसको इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने बिट लगा ली। और दोस्तों एक चीज का खास ध्यान रखना है, आप ये नाप लो, ये इसमें आप देख सकते हो, पहले आपको ये चीज भी देख लेना, इतना ही हमें, यानी कि हमें इतना ही दीवार के अंदर होल करना है। और दोस्तों होल एकदम सीधा होना चाहिए। हो गया। तो दोस्तों ये हमारे पास हैमर मशीन है, ये आप देख सकते हो, इसको एक स्विच को ऑन कर देते हैं पहले, यहां से ये ऑन हो गया, ये आप देख सकते हो। अब जैसे हमारा टारगेट है ये वाली बॉल, इसमें हमें इस फास्टनर को लगाना है। और दोस्तों इस फास्टनर की क्वालिटी जो होती है वो दो तीन प्रकार की आती है। फिलहाल हम आपको ये जो क्वालिटी है ये नॉर्मली एसी के आउटडोर और अपने गीजर्स पे लगाए जाते हैं, और बहुत से मतलब कूलर्स वगैरह जो स्टैंड होते हैं उस पे भी लगाए जाते हैं ये फास्टनर। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी एक फास्टनर की जो कैपेसिटी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो उसकी कैपेसिटी है, कम से कम 50 kg ये एक फास्टनर ले सकता है लोड, अगर हमारी दीवार मजबूत हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दीवार काफी मजबूत है, तो हमारा टारगेट है ये। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसको। जैसा ये देख रहे हो आप दोस्तों, ये जो है ये वाली जो वॉल है इसको, तो ये जो दोस्तों अभी आपने लगाया है, ये आपको ये देखना है, जो ड्रिल मशीन जो है वो एकदम सीधी आनी चाहिए, एकदम सीधी आनी चाहिए मशीन, जैसे कि ये लगा दिया हमने। तो ये दोस्तों आप देख रहे हो, ये वाली जो दोस्तों आप देख रहे हो, हमारी बिट पूरी अंदर तक यहां तक आ गई जहां से हमें चाहिए थी। थोड़ा आप आगे से देख सकते हो, थोड़ा ये पूरी हमने बिट यहां पर लगा दी। तो दोस्तों ये जैसा कि हमने ये जो होल है ये हमने कर लिया है, इसको आप पास से भी देख सकते हो इस होल को, ये पूरा 10 mm के लिए हमने किया हुआ है। अच्छा, अब दोस्तों अब हमें ये वाला जो फास्टनर है ये हमें इसमें लगाना है, जिसके लिए हमें पहले ये डायरेक्टली यहां पे जाएगा, उसके बाद हम हैमर की मदद से इसको। दोस्तों इसमें ये खास ध्यान रखना है कि जो आप ये फास्टनर लगाओगे तो ये दोस्तों एकदम, ये नहीं कि आपने तेज तेज ही इसमें हिट करना है, ये बहुत स्लोली स्लोली जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये देख लो दोस्तों आप, ठीक है। उसके बाद जब इतना हो जाए तब आपको थोड़ी हिट जो है थोड़ी तेज मारनी पड़ेगी। इस तरीके से उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास है पाना या चाबी आप इसे कह सकते हो, 17 और 16 ये दो नंबर की होती है, तो इसको इस तरीके से यहां से टाइट करना होता है। तो ये दोस्तों जितना जैसे आप इसे टाइट करेंगे, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, जैसे ये टाइट होगा जो अंदर, जैसे ये बिट इसके अंदर जो हमने ड्रिल करा है, तो जितना इसे आप ऐसे टाइट करोगे उतना अंदर से फैल जाता है, ताकि जो दीवार के अंदर वॉल के अंदर जो उसकी मजबूती जो ग्रिप है वो मजबूत हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे अब ये टाइट हो चुका है, अब इसको आप लूज कर सकते हो यहां से। ये दोस्तों इस वाले ये फास्टनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई प्रकार के आते हैं। एक आता है जो, जिसकी वीडियो हम आपको इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे हम उसी फास्टनर के ऊपर बनाएंगे। फास्टनर दोस्तों कई क्वालिटी के आते हैं,
बहुत सी डिजाइनेबल होते हैं, जैसे होल्ड फास्टनर, एंगल फास्टनर, एल फास्टनर। ये दोस्तों बोल्ट फास्टनर है, इसको आप ये आप देख सकते हो, इसको इतना भी रख सकते हो आप, ये आप साइड से भी देख सकते हो कि इसमें इतना गैप है दोस्तों। ये एस जो हम गीजर वगैरह टांगते हैं उसमें इतना गैप होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज भी है, इसको आप लूज करके, इसको आप लूज करके निकाल भी सकते हो यहां से। ये दोस्तों रिमूवल है, आप देख सकते हो बोल्ट निकल गया। अब आप इस होल में भी देख सकते हो। और दोस्तों वापसी चाहो तो आप इसको इसमें लगा सकते हो। इसमें दो ऑप्शन हैं, जैसे ये जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो अभी मैं आपको उसकी क्वालिटी भी दिखाऊंगा कितना वेट ये झेल सकता है। जैसा कि दोस्तों ये यहां पे टाइट हो गया है, अब जैसा कि अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको पकड़ के भी दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हो। मैं जितना मेरे अंदर 80 केजी वेट है, मैं उसके हिसाब से भी आपको बता रहा हूं, ये इतना भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा लोड है। तो नॉर्मली दो जो गीजर के लिए लगते हैं दो फास्टनर्स, उसपे दोस्तों उनका वेट जैसे 25 केजी लीटर गीजर लग रहा है, या 35 लीटर लग रहा है, 15 लीटर लग रहा है, या 55 लग रहा है, उसके लिए ये वाले सिर्फ ओनली फॉर दो फास्टनर्स पे ये टिक जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जो आपकी जो दीवार हो वो अंदर से मजबूत होनी चाहिए। जैसे कई बार देखा होगा फास्टनर जो होता है इतनी जिस मजबूती से ये लगा हुआ है इतनी मजबूती से नहीं रख सकता, क्योंकि दीवार अंदर से पोली होती है, खोखली होती है, जिसमें सीमेंट की मात्रा कम होती है। उस केस में क्या होता है कि जो फास्टनर है वो निकल जाता है, भाव लूज हो जाता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो बोल्ट्स होते हैं जिसे आप गिट्टी पेच कहते हैं, जैसे 3 इंच बोल्ट, 3 इंच गिट्टी, जो हम वो भी आपको हम इसके बराबर में अभी इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा भी हम मैंने बताया गिट्टी पेच, ये दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये 3 इंच की ये बोल्ट है, और दोस्तों 3 इंच में ये 2.5 इंच की ये गिट्टी, यानी कि इसका होल्डर इसे आप कह सकते हो, ये लगेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास बिट है ये दोस्तों 8 mm है, ये इसमें वैसे नॉर्मली आपको 10 mm की जरूरत पड़ती है, पर आप 8 mm से भी काम कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। 8 mm से थोड़ा टाइट रहेगा। जैसे हमारे पास ये जो मशीन है इसकी हम यहां से ये निकाल के हम ये वाली बिट इसमें लगा देते हैं, ये दोस्तों लग गई है। अब हमें जैसे कि आप देख रहे हो ये हमें इसके हाइट पे ही लेना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी हम लगाते हैं। ये वाली बॉन्ड ये साइड में हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो। इस वाली जो ये मैंने आपको बताया कि इसमें आप 8 mm की गिट्टी से भी लगा सकते हो, तो वो आप देख लो। इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे ये अभी हमने ये 8 mm है, अब हमें जो गिट्टी हमारी थोड़ी सी दोस्तों उसका वो 10 या 12 mm में आती है दोस्तों, इसको जैसे मैंने बताया ये 8 mm है, हमें टाइटली लगाना है। तो इसके लिए जैसे आप ये देख रहे हो तो हमें थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमाना है ताकि जो उसका गैप है थोड़ा सा और थोड़ा ओपन हो जाए। ये दोस्तों हो चुका है। अब हमें इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, जैसा कि फर्स्ट जो हमने प्लास्टिक की जो गिट्टी है इसको इसमें लगा लेनी है इस प्रकार से ऐसे। अच्छा दोस्तों इसमें हमारे पास बोल्ट्स के दो ऑप्शन है, एक होता है दोस्तों कि यहां पे जैसे ये बोल्ट हमने कसा है, एक दोस्तों ऑप्शन होता है इसमें कि आप इसको स्क्रू ड्राइवर से यहां से लगा के भी घुमा सकते हो, उसमें क्या होगा दोस्तों थोड़ा टैन लगेगा पर कस जाएगा। दूसरा एक और ऑप्शन होता है, हम इसमें भी हैमर की मदद से इसको पूरा पंच कर देंगे एकदम टाइटली। ये पहले हमके लाइट प्रेस करना है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा हिट प्रेस करना है। तो दोस्तों ये भी लग चुका है, आप इसकी भी ग्रिपिंग देखोगे काफी मजबूत है। तो अभी दोस्तों आपने देखा हमने ये फास्टनर और हमने गिट्टी बोल्ट ये हमने दोनों लगाए। अब दोस्तों आगे जो इसके और भी जो फास्टनर्स आते हैं जो दूसरे टाइप के, जैसा कि मैंने आपको बताया एल टाइप होता है, जो होल्ड हुक टाइप होता है, जिसे आप सीलिंग बैंड फास्टनर कहते हैं, वो हम दोस्तों आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।